अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ जनाब। तो ये देखिए, मैंने आज बनाई है बिरयानी और ये बीफ बिरयानी है, बहुत ही जल्दी से बन गए हैं। और ये चिकन की रेसिपी, सॉरी, रेसिपी बनाने की आदत हो गई है, बोलने की आदत हो गई है। तो ये झटपट सी शाही चिकन बना रही हूँ मैं, और यकीन मानिए कि ये चिकन बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बिरयानी का भी बताऊं कि मैंने मतलब 30 से 40 मिनट्स में बिरयानी और चिकन दोनों ही रेडी कर लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं और वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आए हैं, तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। तो मैंने जल्दी जल्दी से यही चिकन बनाया और ये 10 से 15 मिनट में बहुत ही डिलीशियस चिकन बन गया है, बहुत ही टेस्टी है। और इंशाल्लाह इस चिकन की मैं वीडियो पूरा शूट करके अपने चैनल पर डालूंगी, इसका पूरा रेसिपी मैं डालूंगी इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलता है। और फिर मैंने बीफ की बिरयानी बनाई है, वो भी बहुत जल्दी बन गई है, तो वो उसकी भी मैं रेसिपी डालूंगी, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ खानों के साथ कि किस तरीके से जल्दी में बना सकते हैं। तो ये मेरा चिकन भी रेडी हो चुका है, बातों बातों में पता भी नहीं चला, और चिकन भी रेडी है। और फिर बिरयानी तो मैंने दम पे रखी हुई थी, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं उसकी लेयरिंग वगैरह करने के टाइम में शूट नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है बिरयानी, बहुत टेस्टी भी बनी थी। तो फाइनली जो गेस्ट आने वाले थे वो आ चुके हैं और हमने नाश्ता निकाल लिया है। तो जैसे कि मैंने बताया, बहुत शॉर्ट नोटिस में वो आए थे अचानक से, तो फिर जितना हो सका उतना ही मैंने किया। तो ये उनके लिए नाश्ता रेडी है, अब उनको नाश्ता कराया जाएगा। और फिर जब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि जब अचानक से कोई घर पर आ जाए ना तो बहुत ही भागदौड़ी हो जाती है। मैं रूम में आ गई और एज़ यूजुअल ये दोनों लड़ रहे थे, हमेशा ही इन दोनों को अगर अकेले छोड़ के जाऊँ तो ये लोग लड़ते हैं, और इन्होंने तो आज एक कांड ही कर डाला। क्या हो रहा है? प्रिंसिपल कौन आए हैं आपके पास? अरे कहना क्या चाहते हो? आप उनसे सलाम किए हो? और आप दोनों ने मिलके डॉल को गिरा दिया है ना? इन दोनों ने आज डॉल को बेड पे से नीचे गिराया। और ये कहाँ से आते हैं? ये देखिए मेरी डॉल। डॉल भाई ने गिराया आपको? भाई ने गिराया डॉल को? मैंने कुछ खाने के लिए दे दिया। गजब बेइज्जती है। जो उसको बहुत ही पसंद है, डॉल ने क्या उसको यही पसंद होता है। आप दोनों कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। डॉल डॉल से हाय हाय हेलो। पूरा अपना 100% यूज करना डॉल, बड़े जगह तो पूरा अपना 100% दिमाग यूज करना, अभी तो मतलब दिमाग ही नहीं है। इसके पास दिमाग नहीं है। तो आज मेरी बेटी बेड पे से नीचे गिर गई थी, और जानबूझ के नहीं गिराया, बच्चों ने, बच्चे हैं वो भी, उनसे गलतियां होती ही रहती हैं। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेटी है मेरी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं की। और अब लंच का टाइम हो चुका है, तो मैंने लंच निकाल दिया है और ये बिरयानी मैंने निकाल दी और फिर चिकन भी निकाला, और ये देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बिरयानी लग रही है और खाने में सच में बहुत टेस्टी थी। तो सैलड भी मैंने इसके साथ बनाया था, और कुछ तो नहीं बना पाई थी मैं, तो वो लोग खा के चले गए। अब यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो लंच कर रहा है। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बस जो भी छोटा मोटा हो पाया वही मैंने किया। और ये गिफ्ट लेके आए थे बच्चों के लिए, बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन लोगों के लिए चॉकलेट लेके आया और ये खुश हो गए बहुत ज़्यादा।
तो इन लोगों को इनकी फेवरेट चीज़ मिल गई है और ये लोग बस इसे डिवाइड करने में लगे हुए हैं कि हम क्या लेके जाएंगे कल स्कूल। बिकॉज़ आज संडे था तो संडे के दिन बच्चे घर पे रहते हैं और ये चॉकलेट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था आज का जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया और आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा आज के जर्नी और आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। और ये मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ रील शूट कर रही थी और ये परेशान होकर रोना शुरू कर दी। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।